आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स M84 मास्टर ऑफ प्लानिंग। इसका हम लोग जो एंट्रेंस एग्जाम का जो टेस्ट था उसका रिजल्ट आ चुका है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसका कटअप्स की बात कर लेंगे, उसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उनकी एप्लीकेशन आई डी एनरोल नंबर देखेंगे और वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट की भी देखेंगे हम लोग। देखिए पहले तो मैं बता दूँ, इनको एडमिशन लेना आपको जाना है 25 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में जाना है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में, हेड ऑफिस हेड जो होते हैं यानी HOD होते हैं उनके ऑफिस में जाना है डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के, ठीक। और ये सारी चीज़ आपको पढ़ लेना है, ये सारी चीज़ एडमिशन के टाइम पे होना चाहिए। अगर ये सारी फॉर्मेलिटी आप पूरी नहीं करते हैं जब तक आपको फीस स्लिप नहीं मिलेगा, और जब तक फीस स्लिप नहीं मिलेगा तो फीस पेमेंट नहीं करेंगे फिर एडमिशन नहीं होगा। इनमें से अगर कोई कुछ नहीं भी रहता, मान लीजिए TC या करेक्टर, तो उसका फिर वो बताते हैं कि 15 दिन के लिए लिखवा लेते हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार पढ़ लेना, जो भी लिखा हुआ ले के जाएँ, जो नहीं है वो वहाँ जाएँ, वो बता देंगे उसका क्या करना है। तो सबसे पहले हम कटअप्स की बात कर लें मास्टर ऑफ प्लानिंग की। इसमें जनरल लेवल कटअप गया 40, मुस्लिम 25.75 और मुस्लिम OBC ST 19.25। ये हो गया आपका कटअप्स। अब जो स्टूडेंट सेलेक्टेड है इसमें उनकी एप्लीकेशन आईडी एंड रोल नंबर। ये जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड स्टूडेंट 10 स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम कैटेगरी से 8 सिलेक्ट हुए हैं, मुस्लिम OBC ST 2 सिलेक्ट हुए हैं। इसके बाद ये आपका आ जाएगा वेटिंग लिस्ट। आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या फिर एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मिशन जामिनी टीम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देगी। और जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।